गुड मॉर्निंग। सो देखो कितनी हवा चल रही है यहाँ पे। सो अभी हम लोग जस्ट उठे हैं एंड यहाँ पे इतनी मस्त वेदर है ना अभी। एंड ये प्रॉपर्टी बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। हम रात को आए थे तो रात को हमने देखा ही नहीं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, पर ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि आप लोग नहाने जाते। यहाँ पे बहुत ठंड है और यहाँ पे आजू बाजू इसके पीछे मतलब पहाड़ है और पुष्कर बहुत ब्यूटीफुल है। हमें पता होता है हम एक दिन निकालते हैं और बट अभी हम लोग जिपको जाना है जयपुर के लिए। सो फटाफट नाश्ता करते हैं, रेडी होते हैं एंड चलते हैं। सो अभी रेडी होके चलते हैं जयपुर। सो हम रेडी हो गए, सो फटाफट निकलते हैं किशनगढ़ के लिए। जयपुर जाते टाइम रास्ते में आता है, अभी बहुत वायरल हुई है वो प्लेस, जाके विजिट करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। सो लेट्स गो। अभी 5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सब मार्बल पत्थरों की शॉप है। सो यहाँ पे उनके ऑफिस है, वहाँ पे हमने एक रजिस्ट्रेशन करवाया, ऐसी पर्ची देते हैं। सो अंदर जाना बिल्कुल फ्री है, बस हमारा गाड़ी नंबर और फोन नंबर लिख देते हैं बस। कैमरा तो नहीं है ना? नहीं। सो ड्रोन अलाउड नहीं है ना अंदर? नहीं सर, मत उड़ाना कैमरा ड्रोन। सो हमें ड्रोन उड़ाना था पर यहाँ पे बाजू में ही एयरपोर्ट है, सो हम ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते और कैमरा के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ भाई, आज है मंडे, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो गाड़ी पार्किंग में रख दी है, यहाँ से अभी हमें वॉक इन डिस्टेंस पे जाना है। अरे शूज नहीं पहनवा, चप्पल पहनवा। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेटअप बनाए हुए हैं हम लोग ने। यहाँ पर जो ठंडी है यह है आर्टिफिशियल स्नो जैसा, लेकिन ठंड स्नो जैसी ही है यहाँ पे। सो यहाँ पे ठंड तो ऐसी है जैसे सच में स्नो हो एंड यहाँ पे व्यू बहुत मस्त है, ये देखो। तो प्री वेडिंग करवाना हो तो बेस्ट प्लेस है। अब यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करवाएंगे, थोड़ी बड़ी रील्स लेंगे, रील्स बनाएंगे एंड फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे एक पेड़ जैसा है, वहाँ पे सब बहुत फोटोशूट करवाते हैं ये वाला जगह पे। सो हम भी फोटोशूट करेंगे, रील्स बनाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लोकेशन के बाद अभी हम लोग सेकंड लोकेशन पे जा रहे हैं एंड यहाँ पे थीम डेकोरेशन वाले भी है, अलग अलग थीम आपको डेकोरेट करके देंगे। बाकी आज हम लोग ने सोचा था मंडे होगा तो मंडे को कोई भीड़ नहीं होगी, लेकिन मंडे भी ये हालत है। अच्छा हम लोग कल नहीं आए, बाकी कल संडे था, कल आते तो हालत ख़राब हो जाती। आज मंडे है, मंडे मॉर्निंग में ये हाल है। 3-4 जगह पे यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है, 1, 2 और 3। मतलब बेस्ट लोकेशन प्री वेडिंग के लिए तो बहुत मस्त है। ऐसे और एक लोकेशन है, कितना प्यारा है देखो। हम लोग को ड्रोन के लिए मना किया लेकिन ये लोग उड़ा रहे, पता नहीं लोग स्पेशल परमिशन लेके आए होंगे। सो 1:30 बज गए हैं एंड हम 2 घंटे से यहाँ पे हैं, रील्स बना रहे थे। लोकेशन हाँ, हमें जयपुर जाना है, जाना था नहीं, तो हम अभी यहाँ से 2 घंटे दूर, 2 घंटे है। सो हम 3-3:30 बजे पहुँच जाएंगे। लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो फोटो एंड रील्स के लिए तो बहुत बेस्ट लोकेशन है। जैसे ऐसा लगता है कि सच में बर्फ़ है, हम लोग तो जाने वाले बर्फ़ में, पर फिर भी हमने 2-3 घंटे यहाँ पे स्पेंड किया क्योंकि लोकेशन मस्त है। ऑब्वियसली मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रही हूँ बट है। एंड गाइस एक्चुअल रियलिटी में आपको बता देता हूँ, ये मतलब डंपिंग यार्ड है, यहाँ पे मार्बल का काम वाम चलता है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे मतलब डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है। तो ये ऐसा हो गया तो मतलब धीरे धीरे सब पब्लिक आने लगी, तो ये टूरिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर ये लोग ने थोड़ा बहुत डेवलप कर लिया, तो मतलब है ये डंपिंग यार्ड, इसलिए ये सब जो है पत्थर का है। ये ऐसे देखो सब साड़ी पहन के फोटो शूट कराना है स्पेशल,
फिर ये लोग ने थोड़े बहुत मतलब सेटअप बना दिए, हाथ का सेटअप बना दिया, तो अभी धीरे धीरे मतलब इतनी पब्लिक आने लगी यहाँ पे, इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया। दो तीन पेड़ है यहाँ पे, वो मस्त ऐसे अट्रैक्शन है लोकेशन का, मस्त है। Behind the scene. अभी रियलिटी पे आ जाते हैं, शूज निकाल देते हैं, चप्पल ही बेस्ट है। अभी हम लोग निकलते हैं जयपुर के लिए, 2 बजने वाले, पहले खाना खाएंगे, शायद 4-5 बजे पहुंचेंगे जयपुर, पर आज एक्सप्लोर तो करना ही है हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि हम दिल्ली के लिए भी निकलना है। सो पता नहीं क्या हुआ, हमारी स्किन एकदम ब्लैक हो गई, नहीं और इतनी धूप भी नहीं थी, फिर भी ब्लैक हो गए। और वैसे तो हम ठंड की वजह से बहुत गंदे काले, अभी हमने आईने में देखा तो ऐसे बहुत काले काले हो गए। सो लंच करने आए हैं, दो बज गए और भूख इतनी हमें लगी नहीं है खास, तो सोचे कुछ नाश्ता ही कर लेते हैं, फिर 2 बज के अभी खाएंगे, रात का खाना भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो डिनर डन, अब जयपुर तक हमारी गाड़ी नहीं रुकने वाली यहाँ पे ना, हम जब से आए ना तब से हमें खाने में ऐसा नहीं हुआ ना कि यहाँ पे हमें बहुत गंदा खाना मिला, हमें नीचे जब हम लोग गए थे केरला साइड साउथ साइड, खाना अच्छा ही होता था लेकिन हमारा टेस्ट थोड़ा अलग पड़ जाता था, हमें बहुत स्पाइसी चाहिए, यहाँ पे हमें मिल जाता है। ऑलरेडी इतना लेट हो चुके थे, अब ये ट्रैफिक, आधे घंटे का ट्रैफिक है आज जयपुर में, लेट ही होने वाला है। 25 मिनट हो गए हम लोग यहाँ पे ही हैं अभी तक ट्रैफिक में, कल हमने ये मिल्क बर्फी कुछ लिया था वो खा रहे हैं, आधा डब्बा था पूरा कर दिया हमने, रास्ते में बैठे बैठे बोर हो रहे तो क्या करते हैं। 16:51 को पहुँचाएगा ऐसा बोल रहा है आकाश ये, मतलब हम तो 5 बजे तो पहुँचेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक दो चीज़ ही है एक्सप्लोर करने के लिए, सो अच्छा हो जाए तो आज ही। तो 1 घंटे के बाद हम लोग निकल गए फाइनली ट्रैफिक में से, और 5:30 बजे को टाइमिंग बता रहा है जयपुर पहुंचने का, मुझे नहीं लग रहा कि आज हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे जयपुर को, तो टाइम मिला तो करेंगे, हवा मिल जाएंगे वरना कल। जयपुर में आपका स्वागत है। सो हम लोग पहुंच गए जयपुर एंड ट्रैफिक में, ये जो बंदा है ना हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तो चलो हमारे पास बहुत अच्छी होटल है हम लोग क्लियर मना किया, हम लोग क्लियर मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, तो भी ओके आओ पीछे, ओके आओ पीछे। गेट के अंदर एंटर होते ही सब पिंक सिटी जयपुर, कलर तो कलर सेम, और ये जो लिखा है ना मतलब शॉप का जो नाम है वो भी सेम स्टाइल में लिखा है। एंड ये हम आ गए हवा महल के पास, वो देखो ये लोग, देखो देखो ये लोग, देखो आप लोग, अरे पार्किंग नहीं करना है भाई, भैया होटल रुकना है, पहले मैं आपको होटल दिखा देता हूँ, मैं तो देखो यहाँ ई रिक्शा चलाता हूँ गाइड में। ओ हवा महल तो अभी बंद हो गया है, तो अभी हम लोग आए हैं जल महल के पास, और ये है जल महल, यहाँ पे अंदर कोई नहीं जा सकता, बस हमें दूर से ही देखना पड़ेगा इसको। सो इसकी खास बात यह है कि ये 5 मंजिल हमें जो ऊपर दिख रही है ना, ये सिर्फ एक ही मंजिल है, और दूसरी 4 मंजिल अंदर पानी के अंदर है, और सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1,00,000 पेड़ है इसके अंदर, पता नहीं सच है झूठे क्या है, बस ये है जल महल। एंड यहाँ पे सब फोटोशूट भी कर रहे हैं यहाँ से कपड़े पहन के राजस्थानी कॉस्ट्यूम में, और यहाँ पे सारे स्ट्रीट फूड है लाइन में। सो यहाँ पे भी मुझे पानी पूरी तो हर जगह मिल जाती है, सो हम यहाँ पे भी खाएंगे। तो मुझे लगता है मेरे को जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगी ना, मतलब शिमला मनाली साइड, वहाँ पे मेरे को नहीं मिलेगी पानी पूरी, मिल जाए तो बहुत अच्छी है ऊपर से, वो तो दिखेगा ना। सो हम लोग आ गए हमारे रूम में, यहाँ से दिख रहा है जयपुर। सो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, एंड यहाँ पे क्या है, नारी घर नारगर फोर्ट कुछ है, बट बज गए हैं कुछ 8:30,
सो सेफ है कि नहीं जाना पता नहीं, वहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। सो नीचे जाके पूछते हैं सेफ है रास्ते कैसे, अगर होगा तो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे पुलिस की गाड़ी पर खड़ी है पीछे, तो आकाश पूछने गए कि ऊपर वो फोर्ट पे भी जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी बज गए हैं 9 एंड 7:30 बजे तो लोग जाते हैं जब तक अंधेरा होता है वो देखने के लिए। रात हो जाती तब वहाँ से सीन बहुत ज़बरदस्त आता है, पूरा जयपुर दिखता है, मतलब लाइट सब जल जाती है ना सब घरों में, इसलिए। तो अभी आकाश आएंगे तब पता चलेगा कि सेफ है कि नहीं, वो ही पूछने गए। वो क्या बोला? मतलब ऐसा बोला कि जा तो सकते हो आप, लेकिन सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मतलब सब कभी कभी मतलब लड़के लोग पीने वीने के लिए ड्रिंक विंक करने के लिए जाते हैं, तो ना जाना भी सेफ रहेगा। 9 बज गए ना इसलिए, वरना पहले ऐसा कोई मगजमारी नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ऐसा बोला। अगर साथ में लेडीज है तो मत जाओ ऐसा। तो क्या करें, कल सुबह जाएंगे। कल सुबह तो अभी हम लोग जाएंगे कल सुबह, पुलिस ने मना किया, मतलब मना किया इन द सेंस के मगज मारी है बस। सो हमारा डिनर डन हो गया, अभी मॉर्निंग में एक्सप्लोर करेंगे जयपुर को। तब तक के लिए बाय बाय, सुबह मिलते हैं। सो गाइस वी आर रेडी फॉर अनदर डे, अभी निकलते हैं जयपुर एक्सप्लोर करने, फिर निकलेंगे फटाफट दिल्ली के लिए। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नारगढ़ फोर्ट, हम लोग यहाँ पे रात में आने वाले थे। अच्छा, और यहाँ देखो ये रास्ते कैसे ऐसे ऐसे ऐसे, और वैसे भी एक पुलिस ने हमें मना किया था जो मैंने आपको रात को बताया था, इसलिए हम लोग नहीं गए। सो अभी यहाँ से पूरा जयपुर दिखेगा। ओ वाह, वहाँ पे बस भी जा रही है, देखो हमें शायद, अरे यार हाँ देखो, तो वो वाला रोड से भी जाना है। टिकट कटवाने के भैया, तो यहाँ पे सी स्मेल है एंड वैक्स म्यूजियम है, कुछ 500 की टिकट है। सी स्मेल पूरा कांच का, एक्चुअल भी कांच पे सकते हो, 500 रुपीज मिलते हैं, बट अंदर वीडियो एंड फोटोशूट अलाउड नहीं है। हम जाके क्या करें, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे फोर्ट पे। सो अरे यहाँ पे हम दिख रहे हैं क्या? ये फर्स्ट मिरर नहीं है, मुझे लग रहा है वो सेकंड वाला मिरर है। देखो हाँ, जो आ बाजू नहीं, આ ફર્સ્ટમાં બી નથી, સેકન્ડમાં છે, એ મિરર છે એટલા માટે। સો હવે મેં જાય ગયા, યહાં પે અંદર ક્યા હે, યે મહેલ મેં હમ લોગ અકેલે, જહાં સે પૂરા જયપુર દિખતા હૈ વો વ્યૂ દેખને આયે હમ, બસ વો વ્યૂ દેખ કે ચલે જાયેંગે, પર વો વ્યૂ મિલ નહીં રહા હૈ કે કહાં સે આજ સે વ્યૂ આયેગા। तो अभी हम लोग मेन नाहरगढ़ फोर्ट के ऊपर आए, यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा है, एक के एक बिल्डिंग्स। अब मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे हवा महल, के हवा महल कहाँ पे है इतने में, आई थिंक वहाँ पे सारी पिंक लाइन दिख रही है शायद वहाँ पे। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे मेन हमारा यही था कि हमें पूरा जयपुर देखना था ऊपर से, एंड ये एक जगह थी जहाँ से पूरा आपको जयपुर दिखेगा। सो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट, हमारी गाड़ी कहाँ गई, हाँ ये रही, हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। नेक्स्ट कहाँ गए, दूसरा भी एक फोर्ट है जो यहाँ का सबसे फेमस फोर्ट है। अगर आप बाई ट्रेन या बाई बस भी आओगे ना तो जयपुर घूमना एकदम ईजी है, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्शा वाले होते हैं ना वो भी 200-300 में आपको यहाँ पे जितने पॉइंट है ना वहाँ पे लेके जाते हैं। तो ये है आमेर महल,
हमने बहुत ज्यादा फोर्ट 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 देख लिया, सब ने देखना है, बहुत बड़ा है यहाँ पे, बहुत ही भीड़ है एंड हर जगह फूड पे सेम, हाँ सेम ही होता है पूरा दिन। चेन हमें निकलना है बर्फ के लिए, तो भी मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ मस्त व्यू। एंड यहाँ पे शायद है ना एलिफेंट राइड भी हो रही है, मस्त एलिफेंट थे ऐसे ड्रो किया हुआ उनकी सूंड पे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का मोस्ट फेमस हवा महल। हवा महल वर्ल्ड का ऐसा महल है जिसकी कोई नींव नहीं है, तो ये अंदर से कैसा है ये देखने के लिए हम भी अंदर गए, जिसमें हमारा स्वागत हुआ कुछ ऐसे। तो इस आइकॉनिक महल के चारों तरफ खिड़कियां हैं, कुछ 953 खिड़कियां हैं, जिस खिड़कियों से आप जयपुर की खूबसूरती देखेगी। इस महल में आपको 5 मंदिर देखने मिलेंगे, जिसमें सबसे टॉप पे है हवा मंदिर। वही इस हवा महल की बाहर की खूबसूरती देखोगे तो आपको श्री कृष्ण के मुकुट की तरह दिखेगी। सो ये था जयपुर।